मम्मा ने ना अपने लिए कुछ रेडीमेड सूट खरीद के लाए हैं, सिलवाए नहीं है, ये खरीदे हैं दुकान से जाके। मम्मा दिखा दो, आप क्या जाएंगे? आराम से। हाँ ठीक लग रहा है मम्मा। अब सेकंड सूट दिखा रहे हैं। ये भी ठीक लग रहा है। मैचिंग सलवार तो होंगी आपके पास मम्मी, कुछ ना कुछ मिला लेना। फ्रॉक सूट पहनोगे अब आप? और क्या, मैंने तो फैशन के मेरे सारी में चाहिए तो पिछला हिस्सा। हाँ फ्रंट दिखाना। ये तो फ्रॉक सूट है, आराम से आएगा। लंबाई पूरी है। ये है मम्मी, इधर से है, उल्टा दिखा रहे हो। ये मेरे को थोड़ा लूज करवाना पड़ेगा, दूर से दिखाना थोड़ा सा। अगर आया मेरे ठीक है, इसके वैसे मैं बाकी लगाऊंगी। आई जाए, ये सिंपल सा है, कढ़ाई वाला। ये तेरा जैसा पहला सूट नहीं था? दिखाना फ्रंट, दिखाना इसका रेडीमेड। ये तो ब्लैक कलर में गाउन है। तो इसमें मैं बाकी लगवा लूंगी, अंदर जगह इसमें दीदी खोल दे। दो किन्नुओं का ऑरेंज जूस निकाला है। सोयाबीन भी बो देती हूँ मम्मी, पूरा पैकेट भी बो देती हूँ, इतनी ज्यादा तो है नहीं। एक ही आलू बहुत है। आलू का साइज सही है मम्मा? बस भगवान जी को थैंक यू बोलूंगी कि थैंक यू भगवान जी, आपने मेरी जिंदगी में बुरा वक्त लेकर आए तो कम से कम मुझे परख हो गई, लोगों की, रिश्तों की, अपनों की, परायों की, समझ आ गया कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके अगेंस्ट खड़ा है, कौन आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है, कौन आपको बुरे टाइम में त्याग देगा, कौन आपको बुरे टाइम में छोड़ देगा, कौन आपसे कन्नी काट लेगा। तो सब कुछ मैंने ज़िंदगी में सीख लिया, परख लिया, और अब लाइफ में आगे बढ़ने का टाइम आ गया। फैसला मैंने यही लिया अपनी लाइफ का कि ज़िंदगी में निधि अब आगे कर, मूव ऑन कर, अपनी ज़िंदगी का टाइम और ख़राब मत कर। ऑलरेडी तेरी तबीयत ख़राब रहती है, हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पूरी बॉडी में दर्द, बैक पेन रहने लग गया है, इतनी तबीयत अभी से ख़राब रहने लग गई है। अभी कोई ऐसा भी नहीं जो 50 साल की हो रखी हो जो घुटनों में दर्द अभी से, है ना। तो अपने शरीर का सबसे ज़्यादा ध्यान दे, अपने खाने पीने का ध्यान दे, अच्छा खा, मस्त रहे, एकदम खुश रहे, बिंदास रहे, जो जैसे जो बोलता है, जिसको बोलना है, कोई भी हो, चाहे जिसने मेरे साथ बुरा किया हो, सबको तू छोड़ दे। बस अपने दिमाग से, मेमोरीज से बस अपना ये सोच ले कि अब तेरे को बस अपने बच्चे के लिए जीना है, अपने बच्चे की लाइफ अच्छी बनानी है, और खुद को बस खुद का एक एक मिनट ना बस अच्छे से खुद के लिए जीना है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करनी थी। बहुत तूने डिप्रेशन में रह ली, 2.5 साल हो गए तेरे पति को गुजरे हुए, 2.5 या 3 ही साल हो जाएंगे। इतना लंबी तो मेरी शादी नहीं चली, जितना लंबी मैं इतना ज़्यादा, मतलब 2.5 साल तो मेरी शादी को हुए थे और 2.5 साल से ज़्यादा तो मेरे पति को गुजरे हुए हो गए हैं। तो अब निधि तेरे को अपनी लाइफ में बस ये एक फैसला ले ले कि मैटर नहीं करता, देखो कि यार आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है तो आपको दूसरी शादी करनी है या आगे कोई और लाइफ में लेके आना है, नहीं। अब मैटर ये करता है कि आप चाहे सिंगल हो चाहे आप अकेले हो, बस आप अपनी लाइफ में खुश रहो, अच्छे से इंजॉय करो। मैं बहुत से लोग ऐसे देखती हूँ जो शादी करते तक नहीं है और लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी ना इतने अच्छे से बिताते हैं, अच्छे से इतनी हैपनिंग लाइफ जीते हैं, अपनी ज़िंदगी को एक एक मिनट अच्छे से प्रीशियस होता है, उसे अच्छे से इंजॉय करके जीते हैं। तो हम भी अपनी लाइफ
को अच्छे से जिएंगे। अब से मैंने ठान लिया है कि निधि अब से तेरे को अपने ज़िंदगी में किसी भी तरीके की सिरदर्दी नहीं पालनी है, डिप्रेशन टेंशन ये तो तेरी ज़िंदगी में नाम भी नहीं होना चाहिए। तू इतनी अच्छे से अपनी लाइफ को जिएगी, इंजॉय करेगी, खुद का ख्याल रख, अपने बच्चे का। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अब से अपनी लाइफ की नई बिगनिंग शुरू कर ही देते हैं और ये आलू सोयाबीन की सब्जी इतने 10-15 मिनट में बन के तैयार होएगी। आंधी जैसा मौसम हो रहा है, बहुत ही गंदा, धूल मिट्टी उड़ रही है। सब्जी बन के तैयार हो गई है। एक कटोरी सब्जी खा लेती हूँ। 6 बज रहे हैं शाम के। पापा जी को मैंने मना किया, मैं बोलती पापा जी अब आप रोज़ आइसक्रीम मत लेकर आया करो, आप आइसक्रीम लाते हो ना तो बच्चा घर की चीज़ें खानी छोड़ देगा। दूध थोड़ा बहुत पीने लगा था, वो दूध पीने की जगह फिर वो आइसक्रीम करता रहता है। पापा जी आइसक्रीम लेकर आए, आइसक्रीम के आगे तो सब फेल है। गिरगी उठा ले, चम्मच गिरा होगा। बताओ पापा जी, पापा जी मैं तो खाना ही नहीं चाहती थी आज, और ये कैसे हंस रहा है। आइसक्रीम आप खा लो ना पापा जी, मेरे को फिर आज यार दिल कर जाता है। मैंने आज से ही, चल कल से करूंगी अब डाइटिंग शुरू। खा लेते हैं आज तो, अब क्या करें, कल से कर लेती हूँ। खा ले बेटा आज, मम्मी और आप मिलके खा ले आइसक्रीम। इसमें ऐड करो, चम्मच से निकालो, निकालो बेटा, खाओ खाओ। बस मैं एक बात बता दीजिए, आप में से कितने लोग हैं जिनके सामने आइसक्रीम शेक, वो भी फलूदा आइसक्रीम शेक रख दिया जाए और आप लोग नहीं खाओगे। तो यही बात मेरे साथ हो जाती है, मेरी डाइटिंग ना कहीं मैं करती हूँ, सही चल रही होती हूँ, 4-5 दिन सही चलूँगी, 6ठे दिन पापा जी कुछ ना कुछ बाजार से ले आते हैं और कितना भी मन को बहला लो कि नहीं नहीं, लेकिन सामने रखी चीज़ ना खाई जाती है। अब आइसक्रीम कौन होगा जो आइसक्रीम को मना कर देगा, वो भी इतनी गर्मी के टाइम में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के 5:40 हो रहे हैं और जब सो के उठते हैं तो ऐसे ही बाल खिंडे होते हैं। अभी तो बस उठे ही हैं, ब्रश कर लिया है मैंने और सुबह सुबह उठते ही मुझे भूख लगती है। मैं अपना सुबह का नाश्ता तैयार कर रही हूँ और नाश्ते में मैं क्या बना रही हूँ, ये सफोला ओट्स आपको दिख रहे होंगे, ये बेसन है, बेसन और ओट्स मिलाकर चिल्ला बनाते हैं। जूस भी निकाल लिया सुबह के लिए, थोड़ा सा मजीद पीऊंगी, साथ में लूंगी चिल्ला। और बाबू उठ गया है, दूध पीना है, आ रही हूँ। ये विहान की दवाई है, ये 5 ml देनी है मैंने इसमें। ये देखो जूस में मिला के पिलाऊंगी इसको, वैसे नहीं पीता, इसका टेस्ट पसंद नहीं है। जूस पीना है ना विहान, ले पी लो बेटा जूस, पियो पियो पियो। अब मैं खाने वाली हूँ। बाबू एक फिल्म थी उसमें ना दिखाया गया था, उसमें ना एक प्रिस्ट होता है पादरी, वो हीरो हीरोइन से बोलता है कि ना आप शैतान के मतलब ना उनके ना घर होता है एक हवेली टाइप, उसमें ना शैतान आ जाता है तो वो कहते हैं कि शैतान के बारे में आप बात मत करो, आप शैतान के बारे में मुंह से शब्द उसका नाम नहीं लेना आपको, क्योंकि अगर आप उसका नाम स्कूबी है, अगर आप उसका नाम लोगे ना तो उसकी पावर बढ़ेगी और आपकी पावर घट जाएगी। तो वो हमारी लाइफ में भी पहलू सही बात होती है। देखिए आपकी जिंदगी में जो भी आपकी लाइफ के नेगेटिव पास्ट है या फिर नेगेटिव लोग हैं जो कि टॉक्सिक लोग हैं, है ना, आप उनके बारे में अगर बात करोगे तो कहीं ना कहीं होता नहीं, आप शैतान के बारे में बात कर रहे हो तो उससे क्या होगा कि उन बातों को याद करोगे, आपके दिमाग में वो बातें चलेंगी, आप डिप्रेशन में जाओगे, तनाव में जाओगे, स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होने से आपकी तबीयत खराब होगी, आपकी हेल्थ खराब होगी और जब आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो वही तो बात हो गई ना कि शैतान के बारे में बात की तो शैतान ने आपको नींबू की तरह निचोड़ दिया, आपके अंदर से सब कुछ निकल जाता है ना। तो आज से मैंने यही लाइफ का फैसला लिया है कि मैं अपनी जिंदगी का जो
शैतान वाला पार्ट है ना, उसके बारे में बात नहीं करूंगी, सिर्फ अपने बच्चे पे फोकस करूंगी और अपनी लाइफ पे फोकस करूंगी। अगर मैं पॉजिटिव पहलू अपनी लाइफ के ध्यान दे के उसके आगे चलूंगी तो मेरी लाइफ ज्यादा अच्छे से बेहतर हो पाएगी। तो लाइफ की नई शुरुआत करनी है तो कहते नहीं कि नेगेटिव चीजों से कट लो, एकदम कट लो, क्योंकि वो आपके माइंड को डिस्टर्ब करती है आपके। आप ज्यादा, आपने भी नोटिस की होगी कई चीजों के ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप सोचते भी हो ना आपके सिर में दर्द हो जाता है ना। तो आपको अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ पे फोकस करना आपके लिए ज्यादा जरूरी होता है। तो यही है बस, मेरे को मेरा बच्चा देखना है आज के टाइम में, तो मैं बिल्कुल छोड़ दिया है। आज से मैंने कम्युनिटी भी डाली थी कि बस अब लाइफ में मूव ऑन करनी थी, आगे बढ़ जिंदगी में, छोड़ दे, जाने दे, अपने दिमाग से पूरी बुरी चीजें, बुरा पास्ट अपना निकालने की कोशिश कर, अच्छी चीजें कर। खाली बैठती है नेटफ्लिक्स वगैरह ले ले, अमेजोन इनकी मेंबरशिप ले ले, बैठ के कोई सीरीज देख लिया कर 2-3 घंटे, कहीं और दिमाग में खराब करने से बढ़िया है अपना कोई फिल्म देख ली, उसे बढ़िया कोई अच्छी फिल्म देख ली, कुछ और बढ़िया काम कर लिया, है ना। तो अपना माइंड पॉजिटिव साइड लेकर जाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा मेरी लाइफ के लिए, है ना। तो मुझे एक बात और बताइएगा, नेटफ्लिक्स में ना, हाँ बेटा दे 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 दे, क्या है, क्या है हाथ में, क्या ले रहा है, कंघी है, कोई नहीं कंघी तो दे दे। तो देखिए मेरे को एक बात बताइएगा, जो नेटफ्लिक्स में दिखा रहे हैं कि बेसिक जो होता है ना 150 रुपए का पैक मिल रहा है और वो 1 महीने का है, बट उसमें मुझे बताइए, क्योंकि देखो मैंने अमेजोन का सर्च किया था, उसमें तो पूरे 1 साल की या 6 महीने की मिनिमम मेंबरशिप लेनी पड़ती है इकट्ठी। तो नेटफ्लिक्स में क्या सिस्टम है, कहीं ऐसा ना हो ना कि दिखा तो 199 का रहा है कि 200 रुपए पर मंथ और सीधा मेरे 2400 रुपए काट ले मैं जब ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करूं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो अगर वो एक ही महीने, क्योंकि मैं तो सिर्फ 1-2 महीने ही चलाने की सोच रही हूँ, तो क्या नेटफ्लिक्स में सीधा सिर्फ 200 रुपए की ट्रांजेक्शन हो सकती है? मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे 1 साल का इकट्ठा कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसमें लिख तो रहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट मेरे को अभी मेरे को श्योर नहीं थी, तो मैंने कहा मैं वीडियो में आप लोगों से पूछ लूंगी जिन्होंने नेटफ्लिक्स का मेंबरशिप ले रखी है, और कौन सा सबसे बेटर है मुझे वो भी बताइएगा। अमेजोन प्राइम मैं अभी इसलिए नहीं लेना चाह रही क्योंकि मैंने पहले ले रखा था आज से 1.5-2 साल पहले, तो उसपे जितना भी कुछ है फिल्में वगैरह मैं ऑलमोस्ट काफी कुछ देख चुकी हूँ, तो मेरे को लगा इस बार नेटफ्लिक्स ट्राई करके देखते हैं। बताइएगा जरूर कमेंट करके, जानना चाह रही थी अपनी लाइफ की अच्छी शुरुआत करनी है तो कुछ पॉजिटिव चीजें देखना चाहती हूँ मैं। तो ठीक है जी, इस वीडियो को यहीं एंड कर देती हूँ। देखिए मुझे खिलौने पकड़ाए जा रहे हैं। विहान हेलो तो बोलो, हेलो बोल, कौन सा खिलौना है, कौन सी है, क्या है, गड्डी, गाड़ी, गाड़ी, बस बस, ये भी गाड़ी है। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिए, वीडियो को एंड कर देती हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी भी 33% लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, पहले 45% था, काफी लोगों ने कर लिया लेकिन अभी भी सबने नहीं किया। बाय बाय, टेक केयर।